नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, सीधा सवाल ये है कि 2023 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि तीन बुराइयां हैं जिसके खिलाफ पार्टी को लड़ना है, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार। ये उनका 10वां भाषण था लाल किले की प्राचीर से। पर जिस तरह से हालात बदले हैं, खासतौर पर चुनाव से ठीक पहले, सारे भ्रष्टाचारी तो अब आपके दल में आ गए ऐसा लगता है। देखिए, इस प्रकार के तंज कई बार हमारे ऊपर कसे गए। कुछ लोग जरूर हमारे साथ आए हैं जिनके ऊपर केसेस है, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, हमने कोई डीलिंग नहीं किया है। अगर किसी पे केस चल रहा है तो चलता रहेगा। आप पॉलिटिकल अलायंसेस हमने किए हैं, जिस प्रकार की वास्तविकता होती है उसमें जीना पड़ता है, और उस वास्तविकता के चलते यहां पर जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हमारे साथ ऐसे भी लोग आए हैं जिनके खिलाफ हमने बोला है, जिनके खिलाफ हमने आरोप किए हैं, लेकिन मैं वापस कहता हूं उनके साथ हमारा कोई डीलिंग नहीं है। सवाल डीलिंग का नहीं है, सवाल यह है कि आपको ऐसे लोगों की, जिनको आप खुद भ्रष्ट बताते थे, उनको पार्टी में शामिल करने की जरूरत क्या है? आप तो पार्टी हैं जो चाल चरित्र चेहरा अलग रखते हैं, आप तो पार्टी हैं जो एक देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बना देते हैं, पार्टी में शामिल करने का सवाल नहीं है। मैं वापिस कहता हूं पोलिटिकल रीअलाइनमेंट हुए हैं, पोलिटिकल रीअलाइनमेंट में दो पार्टियां हमारे साथ आई हुई है, उन दो पार्टियों को साथ में लेकर हम सरकार चला रहे हैं, इसलिए हमने अपनी पार्टी में लिया ये विषय नहीं है। हाँ, दो पार्टियां साथ में आई, और मैंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये बात सही है कि ऐसे भी लोग उन पार्टियों में हैं जिन पर हमने आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं वापस कहता हूं हमने कोई डीलिंग नहीं किया है कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप हम वापस लेंगे, आपको हम छोड़ देंगे, ऐसा कोई विषय नहीं। जो चल रहा है लॉ विल टेक इट्स कोर्स, हम अपनी भूमिका पर अड़िग है। जिस व्यक्ति के लिए आप वो जो शोले का डायलॉग है उसको कहते थे अजीत दादा गोइंग जेल, पीसिंग चक्की, पीसिंग 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 आप करते थे, आप उसी व्यक्ति के साथ आज खड़े हुए मंच पर, आप असहज नहीं महसूस करते? दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि इससे जो पार्टी का स्टैंड है, लोग ये देख रहे हैं कि ये पार्टी बात करती थी, प्रधानमंत्री ऐसी बात करते थे, अब ये पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी हुई है, उन्हीं लोगों के साथ वोट मांग रही? असहज इसलिए नहीं लगता कि ये सारा मसला चालू हुआ 2009 में, 2009 से लेकर 2013 तक हम लोग ये आरोप लगाते थे, और ये सारा जो भ्रष्टाचार हुआ उसको हमने उजागर किया, उसके ऊपर उस समय की सरकार ने इंक्वायरी शुरू की, उस इंक्वायरी में कई अधिकारी दोषी पाए गए, कुछ को सजा हुई, उसके बाद ये जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चलता था उसके नॉर्म्स भी बदले, वो भ्रष्टाचार न हो इस हिसाब से जो उस समय के नियम थे उन नियमों को, टेंडरिंग प्रोसेसेस को बदला गया, तो ये सारी चीजें होकर आज 10-12 साल 15 साल हो गए। उसके बाद चार्जशीट्स भी गई, अब जिनके साथ हम खड़े आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका नाम किसी चार्जशीट में नहीं आया है। हाँ, उनके ऊपर एक दोष जरूर रखा जा सकता है कि आप मंत्री थे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके अंडर यह सारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज अगर आप देखें तो इतने लोगों को चार्जशीट किया गया, इतने मामलों में किया गया, ये सारी चीजें बाहर निकली, चीजें करेक्ट भी हुई, लेकिन उनको कहीं चार्जशीट नहीं किया है। देवेंद्र जी, फिर इसमें तो ये मुश्किल ये आ जाती है कि जब आप कहते हैं कि इनके खिलाफ मामला नहीं था, फिर आप जो पहले कह रहे थे, जो उनको जेल भेज रहे थे, चक्की पिसवा रहे थे, वो सब क्या कहानी थी? भैया, अगर हम ये नहीं निकालते तो इतना भ्रष्टाचार बाहर आता? इतने लोग जेल जाते? इतने लोग इस प्रकार से चार्जशीट होते? तो जो हमने निकाला वो सही था, और उस समय हमने उनके ऊपर क्यों आरोप किया था? क्योंकि उस डिपार्टमेंट के हेड वो थे, वो प्रमुख थे। अब ये तो जांच एजेंसियों का काम है कि भाई ये जो कोई भ्रष्टाचार हमने निकाला इसमें वो सीधे तरीके से लिप्त है या नहीं है, ये तो जांच एजेंसियां बता सकती है। जांच एजेंसियों ने उनको चार्जशीट नहीं किया। देवेंद्र जी, आपको अरे देश का चुनाव चल रहा है,
बात समझ लीजिए, देश का चुनाव चल रहा है, एक ही जगह क्यों अटक रही है सुई? सुई थोड़ी आगे भी बढ़ाइए। मैं जान रहा हूँ कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये मैं इससे कोई असहज नहीं होता, मैं कन्विक्शन से काम करने वाला आदमी हूँ, डरता नहीं हूँ किसी चीज से। मुझे मत डराइए आप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बहुत बहुत सीधा सवाल कि आप ये देखिए, आप कह रहे हैं अजीत पवार के बारे में, आप एकनाथ शिंदे के बारे में कह रहे हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अशोक चव्हाण तो उस कैटेगरी में नहीं है, उनको तो आपने पार्टी में लिया। ऐसा व्यक्ति जिसने आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद, और कैसा घोटाला आप जानते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया सिर्फ इसलिए कि मराठवाड़ा में कुछ सीटों में आपकी मदद कर देंगे, आपकी इतनी मजबूरी थी कि आपको उनको लेना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अशोक चव्हाण हमारे यहां कब आए हैं? जब वो हाईकोर्ट से बरी हुए हैं और हाईकोर्ट ने उनके ऊपर इस मामले में मुकदमा नहीं चल सकता ये कहने के बाद वो हमारे पास आए हैं। टेंटेड हमारे पास नहीं आया अशोक चव्हाण, इतने सालों में हमारे साथ नहीं आए। अशोक चव्हाण जब हमारे पास आए हुए हैं तो हाईकोर्ट से उस मामले से बरी होकर हमारे पास आए हुए हैं। अशोक चव्हाण के पास खिलाफ फिलहाल आप कह रहे हैं कोई मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार का वो बिल्कुल साफ है। नहीं देखिए, मैं कोई यहां सर्टिफिकेट देने को थोड़ी बैठा हूं, ये मेरा काम भी नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जिस आदर्श के मामले की आप बात कर रहे हैं उस मामले में हाईकोर्ट ने उनको बरी किया हुआ है और उसके बाद हमारे साथ आए हुए हैं। पर इसमें जो बड़ा सवाल आता है वो एक सरकार कैसे चलाते हैं उस पर सवाल आता है। आप एजेंसीज का इस्तेमाल करें, लोगों को डराएं, अपना काम करवाएं, उनसे पैसे लें, उनसे पार्टी बदलवाएं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा हम करते ही नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं ऐसा, हम क्यों ऐसा करेंगे? देखिए, ये तो एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास चल रहा है और इसका जवाब तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने तो आंकड़ों के साथ बताया कि ईडी ने कितने रेड किए, उसमें से कितने पॉलिटिशियन निकले, किसके यहां कितना धन आया, ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री जी ने क्लियर की हुई है, तो हमको किसी को डरा धमका कर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जब लोग हमारे साथ है तो क्यों डरा धमका है, कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप वाइकर की बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप वाइकर क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, वाइकर ने अगर ये बात कही तो गलत बात है, एकदम गलत बात है, और मैं उनको सामने से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। हालांकि वो हमारी पार्टी में नहीं आए, वो गए शिंदे जी के साथ, पर ये बात गलत है, हम किसी को डरा धमका कर लेते नहीं है। अगर वाइकर ने ये बात कही है तो ये बात गलत है। नहीं मतलब वाइकर हाँ गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। क्या गलत है, मैं समझ, जो वो कह रहे हो गलत है, जो वाइकर कह रहे हो गलत है। पर मैं आपसे पूछ, नहीं आप क्यों, मैं बता रहा हूं ना, आप वाइकर को जाकर पूछिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं बात गलत है। देवेंद्र, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं नहीं, अरे भाई आप, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक उम्मीदवार, शिवसेना का उम्मीदवार अगर ये कह रहा है मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जेल जाता या पार्टी बदलता। देखिए देखिए, और उद्धव के करीबी माना जाता उन्होंने उनको। उन्होंने क्या बोला और उसका क्या इंटरप्रिटेशन आया, ना आप जानते ना मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप उनसे पूछ लेना। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ताकत के साथ कहता हूं, हमने किसी को डरा धमका कर लिया नहीं है, कोई कह रहा है तो गलत है। पर ये हमने देखा, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो मामला हुआ उसमें भी हमने ये बात देखी, 24 कंपनियां ऐसी रहीं जिन पर ईडी के मामले, सीबीआई के मामले, आईटी के मामले शुरू हुए, तो उन कंपनियों ने 4,000 करोड़ रुपया पार्टी को दिया, बीजेपी को दिया, तो इसका मतलब क्या है? वो ही बात यहां भी फिट बैठ रही है, फार्मूला एक ही है, तरीका एक ही है, मॉडल बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। बॉन्ड्स में जो पैसे किसी भी पार्टी को मिले, वैसे तो इसका भी खुलासा हो चुका है, अरे भाई अगर डरा धमका के पैसा लेना था तो 16,000 करोड़ में 12,000 करोड़ हमको मिलने चाहिए थे, 14,000 करोड़ हमको मिलने चाहिए थे, 4,000 करोड़ अगर बीजेपी को मिली, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में सबसे ज्यादा एमपी जिसके, एमएलएस जिसके, कॉरपोरेट जिसके, जिला पंचायत जिसकी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जिसके, उसको 4,000 करोड़ है, और जो उसके खिलाफ है उनको 12,000 करोड़ रुपया मिला है। तो सवाल तो उनको पूछना चाहिए, अगर सवाल पूछना ही है तो उनको पूछना चाहिए। तो अगर यह बात होती कि 16,000 करोड़ में 12,000 करोड़ हमको मिलते तो आप यह सवाल हमको पूछ सकते थे, और
ये जो बॉन्ड्स में पैसा मिला है, आपको इसकी जानकारी है कि उनको पहले अप्लाई करना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद वो बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और हिसाब दोनों जगह आता है, ऐसा नहीं है, हिसाब पार्टी में भी रिफ्लेक्ट होता है और हिसाब इलेक्शन कमीशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो सवाल इतना है कि हमने काला पैसा नहीं लिया है, किसी से काला धन नहीं लिया है, जो भी लिया है, जो प्रोसेस तय हुई थी उस प्रोसेस के तहत जिन्होंने पैसा दिया उनसे पैसा लिया है, क्या गलत किया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गलत इसमें यह है, देखिए एक कंपनी है दिल्ली में डीएलएफ, सीबीआई का मामला चला, जेल गए, उन्होंने आपकी पार्टी को 70 करोड़ रुपए दिए, वो बाहर निकल गए। अरे भाई, मामले उनके भंडे बस्ते में चले गए। मैं आपकी ये बात भी सिरे से नकारता हूं, आप मुझे इसका कनेक्शन दिखा दीजिए, ये बोलने वाली बात है, कनेक्शन नहीं है इसमें, कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिखा पाए जिन्होंने आरोप लगाए, वो कोई कनेक्शन नहीं दिखा पाए। और ये लोग, चलो एक मिनट के लिए, अगर वो बीजेपी को छूटने के लिए पैसे देते हैं तो वही लोग विपक्ष को पैसा क्यों देते हैं, अंदर जाने के लिए देते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? जब वो लोग बीजेपी को पैसा दे रहे हैं, वो लोग विपक्ष को भी पैसा दे रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं पूछ रहा हूं, एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने ये अमित शाह साहब से भी पूछा था। देखिए, जो चुनाव होते हैं उसमें कुल खर्चा जो सीएमएस की रिपोर्ट बताती है, जो 2014 में खर्चा हुआ वो 35,000 करोड़ रुपया हुआ, पिछली बार करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो अमाउंट आ रही है वो उसकी एक तिहाई है, मतलब बाकी पैसा भी किसी तरीके से कहीं से तो आता है ना, अभी भी तो आ ही रहा होगा पैसा। देखिए, सवाल ये है, एक तो ये आंकड़े कहां से आते हैं मुझे पता नहीं है, पर मेरा अपना मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये सही नहीं है, तो चलो सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हम लोगों ने मान लेना चाहिए, लेकिन साथ में अल्टरनेट क्या है? अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं है तो इसका मतलब आपको काले धन से लड़ना है, क्योंकि आप 2000 के ऊपर तो आप डोनेशन भी नहीं ले सकते। किसी जो कंपनी है, जिस कंपनी का एक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का उसमें मुद्दा है, इतना प्रॉफिट होगा तो ही वो कंपनी आपको पैसा दे सकती है। इसका मतलब यह है कि देश में काले धन से चुनाव लड़ने की व्यवस्था को अगर हम कायम करेंगे तो काले धन से चुनाव लड़ा जाएगा, और मोदी जी ने काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जाए इसलिए यह व्यवस्था की है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन भी करना चाहिए कि ठीक व्यवस्था क्या है, क्योंकि इस देश के अंदर कहते तो सब है कि काले धन के सिवा लड़ना चाहिए, हमको भी लगता है और लड़ना ही चाहिए, क्यों काले धन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपको एक ऐसी व्यवस्था भी खड़ी करनी पड़ेगी। अब यह बॉन्ड्स की व्यवस्था क्यों थी? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती है, और जो व्यक्ति पैसा देता है वो ये कहता है कि भाई यहां बीजेपी की सरकार है, यहां मैंने पैसा दिया और कांग्रेस की सरकार को बाजू में कर्नाटक में पता चल गया तो वहां मुझे विक्टिमाइज करते, इसलिए यह व्यवस्था उस समय तैयार की गई थी कि उनको भी कोई विक्टिमाइज न करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कम है तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी व्यवस्था बतानी चाहिए। ये पूछा जा रहा है कि कोशिश थी कि चुनाव को बनाया जाए मोदी बनाम राहुल, लेकिन टिकटों के बंटवारे में थोड़ी देर हुई और थोड़े विवाद हुए, तो आपको लगता है कि उस वजह से ये उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस आ गया एक खास तौर पर शुरुआती चरणों में, ये एक कमी रह गई, कहीं इसको जल्दी से उल्टा लिया जाता तो शायद ये जिस तरह से योजना थी उसी हिसाब से होता? योजना के हिसाब से सब चल रहा है, योजना के इधर उधर हुई नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि टिकटों पर जो समय गया, ये जो कहा जाता है गया कुछ समय, 90% चीजें हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर दी थी, 10% चीजों पर ही हम अटके हुए थे, करीब 5 सीटों में हम अटके थे, लेकिन ये 5ों सीटें लास्ट फेज की सीटें थी, इसलिए हम लोगों को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो होनी चाहिए वो थोड़ी कम थी उसमें, बाद में हमने सही समय पर उनको भी निपटाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीटों में उलझे रहे, प्रैक्टिकली 90% सीटें तय करके हम घोषित कर चुके थे, 5 सीटों पर हम लोगों को काफी डिबेट करनी पड़ी, क्योंकि 3 पार्टियां होती है, हमारी इच्छा थी थाना लड़ने की, शिंदे जी की इच्छा थी थाना लड़ने की, एनसीपी की इच्छा थी नासिक लड़ने की, शिंदे जी की इच्छा थी नासिक लड़ने की, तो ऐसे जो प्रेसिंग इश्यूज थे आखिर में हमने बैठ के उसको सॉल्व कर दिया, कम से कम हम लोग आपस में बैठकर सॉल्व कर पाए,
हमने महाविकास आघाड़ी जैसा नहीं किया कि वहां पर चर्चा ही चल रही थी और उद्धव ठाकरे जी ने सांगली की सीट घोषित कर दी, वहां चर्चा ही चल रही थी और पवार साहब ने भिवंडी की सीट घोषित कर दी, ऐसा हमारे यहां नहीं हुआ। हमने जो भी किया तय करके किया। इसमें क्या ये एक चुनौती है और इस आशय की खबरें छपी दिल्ली के अखबारों में, खासतौर पर गॉसिप कॉलम्स में भी इस पर चर्चा हुई, स्टूडियोज वगैरह में भी चर्चा हुई कि एक बड़ी चुनौती इस बार ये है कि दोनों दो पार्टियां उनका विभाजन हो चुका है, क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा? खासतौर पर यह पूछा जा रहा है क्या एनसीपी का वोटर जो लगातार बीजेपी के खिलाफ रहा है क्या वो अब बीजेपी को वोट देगा अजीत पवार की वजह से? क्या इस तरह की चुनौती है, इसके लिए आपने कुछ सावधानियां बरती हैं? देखिए, चुनौती तो होती है। इसका कारण यह है कि जब दो पार्टियां अलग होती है, कोई पार्टी में से एक पार्टी बाहर निकलती है, एक नई पार्टी तैयार होती है, तो उस समय आप ये असेसमेंट नहीं ले पाते कि कितना वोटर साथ में आया है। लेकिन चूंकि अभी एक बड़ा कैंपेन हम लोगों ने किया है, तो इस कैंपेन में हम लोगों को ये ध्यान में आया कि वोटर शिफ्ट हो रहा है, कार्यकर्ता भी शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कुछ जगह ये भी ध्यान में आया, यानी एक दो जगह पर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये भी ध्यान में आया कि जितने बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता आना चाहिए था नहीं आया है, कुछ बटा हुआ भी कार्यकर्ता हमको दिखा। कुल मिलाकर कार्यकर्ता भी आया, वोटर भी आया। मैं ये नहीं कहूंगा 100% आया है, 100% आता नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी वोटर, शिवसेना के साथ तो हमको प्रॉब्लम था नहीं क्योंकि एक हम लोग इमोशनली भी अटैच थे, तो वहां पर वोटर का आना बड़ा आसान था। एनसीपी में थोड़ा कठिन था, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर आया है ऐसा हमको लग रहा है। इसमें पिछले दिनों छगन भुजबल ने कहा कि जो सिंपैथी वेव है एक तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ है, आप कैसे देखते हैं इस तरह के नेताओं के जो बयान आते हैं? नहीं देखिए, आप अगर छगन भुजबल जी का पूरा बयान देखेंगे, उन्होंने ये जरूर कहा, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, उनका अगर पूरा बयान देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर केवल उतनी बात उनकी ली गई। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, सिंपैथी क्यों होगी? ये जो पार्टियां टूटी है ये उनके अहंकार के कारण टूटी है, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण टूटी है। आप अगर शिवसेना का विचार करें तो शिवसेना हमारे साथ चुनकर आई थी और फिर हमारे साथ धोखा करके कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। उस समय उन्होंने क्या कहा था कि मुझे शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना है। लोग समझते थे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके घर पे तो गार्ड्स भी लग गए थे, लेकिन उद्धव जी खुद बनना चाहते थे, उद्धव जी बन गए। बनने के बाद उन्होंने जो प्रोसेस आरंभ की, उनको ये लगा कि यही समय है कि मैं मेरी लीगेसी आदित्य ठाकरे को दे दूं, और इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के पर काटना चालू कर दिया। उनको ये लगता था कि वापिस पार्टी में एक नए नारायण राणे जी बन रहे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी तो बहुत कट्टर शिवसैनिक थे, लेकिन एमएलएस की लॉयल्टी उनके साथ थी क्योंकि एमएलएस के पीछे वो खड़े होते थे। उद्धव जी तो नॉट रिचेबल होते थे, तो जो एमएलएस है उनको तो एकनाथ शिंदे जी मिलते थे। तो जब उनके ध्यान में आया कि एमएलएस की लॉयल्टी भी बढ़ रही है, तब धीरे धीरे उनके पर काटना शुरू हुआ, और वो यहां तक चला गया कि मिनिस्टर के पोर्टफोलियो की मीटिंग चीफ मिनिस्टर ले ले तो चल सकता है, लेकिन आदित्य ठाकरे सीधे बिना एकनाथ शिंदे जी को बुलाए उनके पोर्टफोलियो में मीटिंग ले लेते थे। तो ये चीजें जब एकनाथ शिंदे जी के ध्यान में आया कि एक तो हिंदुत्व छूट गया तो जमीन खिसक रही है, और दूसरी जगह मेरे अस्तित्व को नकारा जा रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एकनाथ शिंदे ऐसा शिवसैनिक है कि कितना भी उसके ऊपर अन्याय हो जाता तब भी वो आवाज नहीं करता, लेकिन जब उनके अस्तित्व को नकारा गया तब जाकर उन्होंने फैसला किया कि अब हम नहीं रह सकते। वही स्थिति अजीत दादा की है। अल्टीमेटली पार्टी बड़ी पवार साहब ने की, लेकिन फुट सोल्जर तो अजीत दादा थे। पार्टी में एमएलएस तो चुनकर लाने से लेकर प्रचार करने से लेकर सारी चीज अजीत दादा करते थे, और लगातार अजीत दादा के ध्यान में आया कि अलग अलग प्रकार से पार्टी में उनको विलन बनाया जाता है ताकि सुप्रिया तो हीरो लगे।
और ये जब उनके ध्यान में आया कि मुझे विलन बनाया जा रहा है और मैं कितनी भी मेहनत करूं, और उन्होंने बोलकर भी दिखाया कि भाई मैं चूंकि बेटा नहीं हूं इसलिए मुझे पार्टी नहीं मिलेगी, तो जब उनके ध्यान में आया कि पार्टी नहीं मिलेगी तो उन्होंने फैसला किया। तो इसलिए देखिए, सिंपैथी कब हो, जब कोई अन्याय हुआ हो। ये अन्याय नहीं हुआ है। देखिए, इनके ईगो के कारण, अहंकार के कारण, या जिसको मैंने कहा कि एक जगह फैमिली फर्स्ट हुआ और दूसरी जगह फर्स्ट फैमिली फर्स्ट हुआ, इसके कारण ये पार्टियां टूटी। पर इसमें तो आदित्य ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे आए, वो रोते रहे, उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेज देंगे, मुझे जेल नहीं जाना है, इसलिए उन्होंने पार्टी बदली। एक तो ये नैरेटिव भी है, मतलब उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है। मैं आदित्य ठाकरे को पूछना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक कंप्लेंट दिखाए। ईडी तो छोड़ दीजिए, उनके पास ईओडब्ल्यू था ना, उनके पास था, उसमें भी एक कंप्लेंट दिखाए, एक जांच दिखाए एकनाथ शिंदे के खिलाफ, कोई जांच नहीं, एक जांच नहीं, एक कंप्लेंट नहीं। तो काय को रोएंगे, रोने का क्या सवाल है? इसलिए ये जो नरेटिव बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं, ये नरेटिव बिकेगा नहीं। ये बताइए कि क्या ये बात सही है कि जब सरकार गिरने वाली थी, उद्धव ठाकरे ने आपसे संपर्क किया या संपर्क करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री से भी बात करने की कोशिश की? मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत उन्होंने कोशिशें की, हाथ पांव बहुत मारे। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल एक या दो दिन पहले उद्धव ठाकरे जी के जो पीए है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने मुझे फोन किया, उनके खुद के फोन से फोन किया, और मिलिंद नार्वेकर जी ने मुझे कहा कि उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बात की उद्धव जी से, उद्धव जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी आप इसको खत्म करते हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए, मैं पूरी पार्टी लेकर आता हूं, एकनाथ को भी मैं बोलता हूं और पूरी पार्टी लेकर मैं साथ में आता हूं, अब आप ही मुख्यमंत्री बनिए। मैंने उनको ये कहा कि देखिए, इसमें बहुत समय निकल गया है, अब हम एकनाथ शिंदे जी के साथ धोखा भी नहीं कर सकते और इस प्रकार से ये हमारे निर्णय भी नहीं बदलते। हाँ, ये जरूर है कि आपको अगर कोई बात करनी है, इसमें रिकंसिलिएशन की कोई बात है, तो आप हमारे शीर्षस्थ नेताओं से बात कीजिए, अल्टीमेटली वो जो तय करेंगे वही मैं करूंगा। तो इतनी मेरी बात हुई। बाद में उन्होंने प्रयास किया नहीं किया, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। ये बताइए कि उसके बाद नई सरकार बनी, आपका नाम बहुत जोरों पर था, आप उप मुख्यमंत्री बने, बीच में ये भी कहा, खबर आई कि आप थोड़े नाराज भी थे इस बात से, आप कैसे देखते हैं इस पूरे नाराजी? तो मैं एक मिनट के लिए भी नाराज नहीं था, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं। रूठे हुए थे? ना, क्यों रूठूंगा, मैं रूठने वाला थोड़ी हूं, मनाने वालों के कैटेगरी का आदमी हूं, रूठने वालों की कैटेगरी का आदमी नहीं हूं मैं, याद रखना आप। तो ये था कि ये तो पहले तय था। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और आप कभी भी एकनाथ शिंदे जी को भी पूछ लीजिए, ये प्रस्ताव मेरा था कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मैंने उनको ये कहा कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई उनका नेता मुख्यमंत्री बन रहा है। और मैंने मेरी पार्टी में बात की, और मेरी पार्टी का भी ये मानना था, जब मैंने मेरी पार्टी में बात की तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है आपकी, हमने करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी ये भी दिखाना चाहती थी कि भाई हम सत्ता के लिए ये सारा खेल नहीं करते। अगर हमने उद्धव ठाकरे जी को शब्द दिया होता कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम पीछे नहीं हटते, हमने दिया ही नहीं था। इसलिए हम एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये हमको दिखाना था, तो इसलिए प्रस्ताव ही मेरा था। तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ये मुझे पहले दिन से पता था। और जिस समय वो लेटर देने में गया, देखिए किसी की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है ना, लेटर देने के बाद आप, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी है, तो आपके ध्यान में आएगा उसमें कोई रूठने की बात नहीं थी। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने पार्टी को ये कहा था कि मुझे कोई पद मत दीजिए, क्योंकि मेरे सामने दुविधा थी कि लोग ये कहेंगे कि ये सत्ता का लालची है, अभी मुख्यमंत्री रहा और अब उप मुख्यमंत्री या मंत्री बन रहा है। लेकिन बाद में पार्टी ने मुझे जब ये कहा कि भाई सरकार चलानी है, आपका अंदर रहना जरूरी है, थोड़ा मेरे लिए वो असमंजस की स्थिति थी, रूठने की स्थिति नहीं थी, असमंजस की स्थिति थी। मुझे ये लगता था कि लोगों के बीच क्या मुंह लेकर जाऊंगा,
कि 5 साल मुख्यमंत्री रहा और अब उप मुख्यमंत्री, यानी लोग बोलेंगे सत्ता का लालची आदमी है, लेकिन पार्टी ने कहा मैंने स्वीकारा और आज मैं कहता हूं वो पार्टी ने मेरा सम्मान ही किया। और शायद मुख्यमंत्री बनता तो जितना पार्टी में समर्थन नहीं मिलता उससे ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद मुझे उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देश भर की पार्टी से मिला। आप क्या अलग पाते हैं जब आप मुख्यमंत्री हैं और अब उप मुख्यमंत्री हैं, क्या बदला है? नहीं देखिए, अल्टीमेटली किसी भी सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है और उप मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि वी डिराइव पावर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, तो अपनी क्षमताएं और अपनी मर्यादाएं दोनों मालूम चाहिए, वो मुझे पता है। एक बात जरूर है कि एकनाथ शिंदे जी मुझे पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, मैं जो बात कहता हूं उस बात को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता है और मिलकर हम सरकार चलाते हैं। लेकिन सरकार के बॉस ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारी सरकार के बॉस एकनाथ शिंदे। ये बताइए कि पिछले दिनों जो शरद पवार ने बयान दिया कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस में मर्ज कर जाए, ये तो बात बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है। खासतौर पर आप अगर देखें जिस तरह से वहां बिहार में पार्टी का हाल है नीतीश कुमार की, जिस तरह से हाल है उड़ीसा में बीजू जनता दल की हालत है, ये मर्ज कर सकती है बीजेपी में? नहीं, मुझे नहीं लगता करे भी, तो मुझे कोई मतलब पता नहीं, मैं तो इतना ज्यादा वो नेशनल पॉलिटिक्स ट्रैक नहीं करता। लेकिन जहां तक शरद पवार जी के स्टेटमेंट का सवाल है, आप शरद पवार जी का इतिहास अगर देखेंगे तो 78 में जब वो पावरफुल थे उन्होंने पार्टी तोड़ी, कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ मिलकर वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। आज तक 4 बार ऐसा हुआ है, पवार साहब जब पावरफुल होते हैं तो कांग्रेस से बाहर निकलकर पार्टी बनाते हैं और जब कमजोर हो जाते हैं तो वापस कांग्रेस में जाते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, वापस पावर हासिल करते हैं और वापस पावरफुल हो गए कि कांग्रेस से बाहर निकलते हैं। तो अभी उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान का मतलब यह है कि पवार साहब के ध्यान में आया है कि अभी पार्टी कमजोर है, इस पार्टी को ताकत देना मुश्किल है, ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, ये पार्टी अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकती, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि वापिस उनके पुराने इतिहास की तरह 4 बार जो उन्होंने किया, 4 तारीख के बाद 5वीं बार उनकी पार्टी को वो कांग्रेस में विलीन करेंगे। हाँ, कितने समय कांग्रेस में रहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, वो तो वही बता सकते हैं। आप चूंकि चुनाव को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मुझे याद है कि आपने पिछली बार जो आंकड़े हमें बताए थे वो करीब करीब सही बैठे थे, इस बार आप क्या पाते हैं कि कौन से क्षेत्र हमें, जरा बाई तरफ से सवाल शुरू कर रहा हूं, कि कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको लगता है कि थोड़ी चुनौती है आपके गठबंधन को? देखिए, चुनाव तो हर जगह चुनौती वाला ही होता है, चुनाव को चुनौती ही समझना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि मुंबई का क्षेत्र छोड़कर सभी क्षेत्रों के करीब करीब चुनाव या तो हो गए हैं या थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सभी क्षेत्रों में हम लोगों के लिए अच्छा समर्थन रहा है, लोगों ने अच्छा वोटिंग किया है और पिछले बार का जो हमारा परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को हम रिपीट कर सकते हैं, इस प्रकार का निश्चित रूप से हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। क्या मैं जो बात कर रहा हूं वो मौजूदा उप मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री से कर रहा हूं? देखिए, पॉलिटिक्स में भावी वगैरह कुछ नहीं होता है, इस देश में जिन्होंने अपने आप को भावी मुख्यमंत्री कहा वो कभी मुख्यमंत्री बने नहीं, हमारे महाराष्ट्र में कई भावी प्रधानमंत्री है लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री बने नहीं, तो इसलिए भावी वगैरह शब्द नहीं होता है, ये यथार्थ में जीना पड़ता है। आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, आपको शरद पवार से बहुत प्रेम है? आपको शरद पवार से बहुत प्रेम है? नहीं नहीं, देखिए मैं एक बात कहता हूं, वो हमारे राजनीतिक विरोधी है, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और शरद पवार जी महाराष्ट्र के एक बहुत मजबूत नेता है, और ये बात भी मैं कहूंगा कि जैसे कुछ चीजें उनसे नहीं सीखनी चाहिए वैसे कुछ चीजें उनसे सीखनी भी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी भी है कि उनसे सीखनी चाहिए। तो मैं देखिए, राजनीति में जब आप काम करते हैं तो जो आपके विरोधी भी होते हैं उनमें भी जो गुण होते हैं उनमें से आपने सीख लेनी चाहिए, वैसे उनसे भी कुछ सीख लेता हूं मैं।
ये मैं सीख आपसे लेता हूं कि आपसे कैसा भी सवाल पूछा जाए आप उसको उसी तरह से जवाब देते हैं जिस तरह से आप देना चाहते हैं। आप विचलित होते नहीं है, रस्ते से हटते नहीं है। आप मैं जान रहा हूं चुनावी समर के बीचों बीच में है, आपको प्रचार भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।